आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी पिंडीदास जी महाराज आश्रम, जो कि अम्ब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिद्ध योगी पिंडीदास जी स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है। बाबा पिंडीदास जी आश्रम अम्ब में भव्य भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 21 नवंबर रविवार से 28 नवंबर 2021 दिन रविवार तक चल रही है। कथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होती है और प्रतिदिन कथा के उपरांत भंडारा किया जाता है। इस भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन स्वामी पिंडीदास जी आश्रम ट्रस्ट अम्ब की ओर से किया गया है। आश्रम में अम्ब से आश्रम तक आने व जाने की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय देखा, विकट रूप धरि लंक जरा, देव रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लखन जियाए श्री रघुवीर हर सी गुर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय सभाए, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संतारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा, जब कुबेर दिग पाल जहाते कवि को विद कहि सके कहाते। दरबार मैया तेरा ये श्रृंगार, कितना
भगवान कहते हैं जब जब धर्म को हानि पहुंचेगी, अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तक मैं तदात्मानं सुयाम्यहम्, तब तक मैं
अवतरित होऊंगा, आ जाऊंगा मैं। वही परमात्मा संकाद ऋषि के रूप में आए, वही देवर्षि नारद के रूप में आए, दत्तात्रेय, कपिल, ऋषभ देव, नर नारायण, यज्ञ हनुमान, मत्स्य मछली बन करके आए, महामत्स्य कूर्म बन करके आए, कच्छप बन करके आए, मोहनी ऋषिंग वामन बन करके आए। कल आपने कथा सुनी भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। परमात्मा जब चाहता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, इस सृष्टि का विस्तार करना जब भगवान चाहते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। सबसे पहले सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी का आविर्भाव प्राकट्य होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए। विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि के कण कण में हर चीज में एक न्यूक्लियर है, केंद्र है, जो एटम है, जो परमाणु है, सबसे छोटा जो कहीं कण है सृष्टि में, कहीं से भी आप उठा लो, उसमें तीन चीज मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर कण में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है। हम सबका भी केंद्र क्या है? ये जो नाभि है, बच्चा जन्म से पहले नाभि से ही तो मां से जुड़ा होता है, नाभि से ही उसका पोषण होता है। मां के उदर में, मां के गर्भ में बच्चा कुछ खाता पीता थोड़ी है। मां के शरीर से ये नाभि ही बच्चे को जोड़ करके रखती है। जो हमारे सात केंद्र हैं, सप्त केंद्र हैं ऊर्जा के, उसमें नाभि का भी केंद्र है। ऐसे भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कैसे हैं? उनके चार मुख हैं, इसका मतलब क्या? ब्रह्मा जी को दाएं बाएं आगे पीछे देखने के लिए सिर नहीं घुमाना पड़ता। ब्रह्मा जी एक साथ सभी दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसे कथा में कोई जो वक्ता होता है, वक्ता क्या होता है? वक्ता सुखदेव जी का ही प्रतिनिधि होता है। ये कथा तो सुखदेव मुनि ने सुनाई, लेकिन जो वक्ता है वो सुखदेव जी का ही एक तरह से कार्य कर रहा है। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने आकाशवाणी करी, तप तप करो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे करना क्या है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या पता होता है? अरे माँ सिखाती है, पिता सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। भगवान ने तप का आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने तप किया। अनेक वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी ने सामर्थ्य प्राप्त करी। हर कार्य को करने की सामर्थ्य होती है। आपसे कहा जाए ये बिल्डिंग आप बनाओ, आप कहें हमें तो पता नहीं। आपको अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको फिर सिविल इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। आर्किटेक्चर की, शिल्प विद्या की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ज्ञान आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सभी विद्याओं में निष्णात हुए। कैसे निष्णात हुए?
भगवान ने अपनी अंतर शक्ति ब्रह्मा जी में दी और यही ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना करी, मानस पुत्रों को जन्म दिया, देवताओं को प्रकट किया, विद्याधरों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, सिद्धों को, और इसी क्रम में ब्रह्मा जी के मन से एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। पुरुष को मनु कहा गया। कथा में आगे आप कई मनुओं की कथा सुनेंगे। यह जो पहले मनु है इनको स्वयंभू मनु कहा गया। ये किसी माता पिता से नहीं उत्पन्न हुए। कल भी बात कही गई थी कि जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में आप अपने विचार के अनुरूप कुछ भी निर्मित कर लेते हो। स्वप्न में आप देखते हो कि मैं किसी कोठी में, बंगले में हूं। अब ये कोठी बंगला बनाने के लिए तो 50 लाख रुपया चाहिए। पहले जमीन खरीदो, रजिस्ट्री कराओ, फिर समय भी लगेगा, 6 महीने साल लगेंगे। आप जो चाहो वही हो जाए। ये भजन में ऐसी ताकत है, आपको आश्चर्य होगा। आप देखते हैं कई बार आप जिसका चिंतन कर रहे हैं वही व्यक्ति आ जाता है। कोई व्यक्ति चंडीगढ़ में है, आप अभी बातचीत ही कर रहे थे, अचानक वो आपके घर में आ जाते हैं। आपको बड़ी हैरानी है। कई बार आप किसी को अभी फोन लगा ही रहे हैं उसका फोन आ जाता है। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। लेकिन जब आप भजन करेंगे, मैं बात लिख करके दे सकता हूं कि आप जो चाहोगे सो होगा। आपका संकल्प, आपके सारे संकल्प फलित होंगे। आप जो चाहोगे सो हो। जैसे ही जीव परमात्मा से तदाकार हो जाता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, ईश्वर की सारी शक्तियां आपकी हेल्प करने लगती, सहायता करने लगती, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है। अभी वर्तमान में किसी को लगता है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, कोई व्यक्ति भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन यही चीज भजन के बाद अनुकूल हो जाती है, सब आपके अनुकूल हो जाते हैं। एक एक व्यक्ति को ठीक करना, अपने अनुकूल करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन परमात्मा कर सकता है। अभी ये सर्दी के मौसम है, सामने वो गौशाला के सामने जो प्लाट है तो उसमें गौ माता के लिए चारे का इंतजाम है, वहां चारा भेजा गया है। तो रात भर उस चारे वाले खेत में ओस पड़ती है, ओस की बूंदे पड़ती है, और आप सारे लोगों से कहा जाए कि वो ओस की बूंदे खत्म करनी, समाप्त करनी। तो आप सारे लोग जब जुटोगे ना तो घंटे दो घंटे तो लग जाएंगे पूरे प्लाट की, पूरे खेत की ओस खत्म करने में। आपको मेहनत भी होगी और 2-4 हजार बूंद तो रह भी जाएगी, लेकिन परमात्मा क्या करता है? सूर्य भगवान तो मुश्किल से 5 मिनट उनको लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं। अगर दोपहर का मौसम हो गया है तो 1 मिनट लगेंगे वो सारे कोस खत्म करने में। और केवल उसी प्लाट का नहीं, अभी जब दोपहर 1-2 घंटे बाद गर्मी और बढ़ जाएगी, ताप बढ़ जाएगा, तो धरती की सारी ओस की बूंदे समाप्त हो जाएंगी। जो काम आपके लिए कठिन है, परमात्मा के लिए 90 साल की जिंदगी मान ली जाए तो 30-32-35 साल तो ऐसे ही सोने में गुजर गए।
बाकी के 30-35 साल तो रोटी पानी का इंतजाम करने में गुजर गए, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार में गुजर गए। काफी कुछ बच्चों को संभालने में गुजर गया, रिश्तेदारियों में गुजर गया, मनोरंजन में गुजर गया। 80-82 साल की जिंदगी में 30,000 दिन होते हैं। अगर 80 साल की उम्र मान ली जाए तो हमने 30,000 दिन परमात्मा ने हमें दिए। और हमने कितना सारा समय ऐसे ही खो दिया। कर्दम ऋषि ने तपस्या करी और तप करना है। ये जो आप यहां बैठे हैं ये आपका तप है। घर में कहा जाए ऐसे 3 घंटे बैठो तो आप नहीं बैठोगे, चाह करके भी नहीं बैठोगे, और बैठोगे तो 20 काम याद आएंगे। यहां आप निश्चिंत होकर के बैठे हैं, यहां कोई काम नहीं है। आप अपना घर परिवार नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार छोड़ करके यहां किसी उद्देश्य से आए हैं। ये भगवत कार्य है, यह महत कार्य है, ये परम उद्योग है। एक उद्योग है जैसे गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, टालीवाल में लगी, मोती नालागढ़ में लगी। एक उद्योग है कारखाने लगाना, फैक्ट्री लगाना, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यह भी एक उद्योग है, यह परम उद्योग है जो आप भगवान की कथा में बैठे। ये सबसे बड़ा उद्यम है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ईश्वर के लिए बैठना, भगवान की महिमा सुननी, भगवान की कथा सुननी, यज्ञ अनुष्ठान आराधना उपासना में बैठना, तीर्थ में जाना, ये सब परम उद्योग माने गए। ये आपका तप है। देर तक बैठने का अभ्यास, जो सयानी लोग हो गए, थोड़ा शरीर से अनुकूलता नहीं होती, बेसिक वे कुर्सियों पर बैठ लें, चेयर पर बैठ लें, जैसी उनको सुविधा लगे, क्योंकि शरीर एक साधन है और शरीर को जैसी थोड़ी सुविधा लगती वैसे बैठ जाइए। कोई आवश्यक नहीं कि आप पद्मासन में बैठिए, लेकिन जब आप आराम की स्थिति में बैठे तो सावधान बैठे, पूजा में पाठ में ध्यान में भजन में सावधान होकर के बैठना चाहिए। आप बहुत आराम की मुद्रा में हो जाएंगे फिर नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा। टीवी पर अचानक कोई दृश्य देखते देखते, जैसे आप मैच देख रहे हैं और अचानक कोई बहुत गंभीर दृश्य आया, कोई अच्छा प्लेयर खेल रहा है, तो आप सतर्क होकर के बैठ जाते हैं कि देखिए अब क्या होता है। कोई आता है, अरे चाय पी लो, अरे रोटी खा लो, आप कहते हैं रुको ठहरो, अभी ये 2 मिनट का खेल देखना है। आप पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी चेतनता के साथ अवेयर होकर के आप देखने लगते हैं। ऐसे भगवान के ध्यान भजन में बैठना, ये तप है, परम तप है। जैसे आप यहां बैठे हैं, अगर संयोग से यहां श्री ब्रह्मा जी आ जाए, ब्रह्मा जी कहेंगे बैठे रहना अच्छा कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ बढ़िया कर रहे हो, सबसे बढ़िया कर रहे हो। छोड़ दिया था राजा परीक्षित ने अपना राज, भगवान महावीर ने जो राजपुरुष थे, राजमहल के राजकुमार थे, छोड़ दिया था राज। भर्तृहरि और गोपीचंद राजा के लड़के थे, राज्य के उत्तराधिकारी थे, छोड़ दिया था राज। भगवान गौतम बुद्ध राजघराने से थे, 23 साल की उम्र में अभी अभी विवाह हुआ था, साल भर का था वो राहुल, गौतम बुद्ध का बेटा माथी यशोधरा छोड़ करके चले आए थे।
मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है यशोधरा। तमाम ऐसी देवियां और नारियां हुई हैं इस भारत भूमि पर कि बड़े बड़े राष्ट्र कवियों ने भी उनका आदर किया। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाती है, अपने पति के लिए कहती है, हे सखी, अगर मेरे पतिदेव स्वामी सिद्धार्थ, भगवान सिद्धार्थ उनका नाम था, बाद में गौतम बुद्ध हुए। यशोधरा कहती, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, पत्नी सो रही, बच्चा सो रहा है और उठे रात में चले गए। यशोधरा कहती, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। अगर मुझसे बता करके जाते तो क्या मैं उनको रोक लेते, उनके पैर में बेड़ी बन जाते। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी बात का दुख है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, मुझे बताया नहीं। मेरा पति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है लेकिन अपनी धर्म पत्नी से जो इतनी छोटी सी बात छुपा ली, नहीं बताया, इसी बात का मलाल दुख हमें हमेशा रहेगा। गौतम बुद्ध चले आए थे, भर्तृहरि गोपीचंद चले आए थे, गोपीचंद की मां ने गोपीचंद को कहा कि पुत्र चला जा अपने मामा के रास्ते, चला जा बाबा पिंडीदास जी महाराज के रास्ते। गोपीचंद ने कहा, मां तू क्या कहती है, इतनी जिम्मेदारियां छोड़ करके मैं क्या। गोपीचंद की मां ने कहा, यही तेरी जैसी उम्र थी, जैसे तेरी 26-27 साल की उम्र है, ऐसी ही उम्र तेरे बाप की भी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी नजरों के सामने तेरे पिताजी मृत्यु के शिकार हो गए, मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ घट जाए। गोपीचंद ने कहा, इतनी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे चला जाऊं। मां ने कहा, है जिम्मेदारियां जिसकी है वो देखेगा। सजाया है ओ मैया तुमको, किसने सजाया है तेरा सुंदर से सुंदर दरबार बनाया है, तेरा सुंदर से सुंदर दरबार बनाया है। जगदम्बे तेरी शोभा अति प्यारी, बलिहारी हुआ आज भगत वो, बलिहारी हुआ आज भगत वो, किया जिसने दीदार कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है दरबार मैया तेरा, ये श्रृंगार कितना प्यारा है। ओ मैया तुमको किसने सजाया है, ओ मैया तुमको किसने सजाया है, तेरा सुंदर से सुंदर दरबार बनाया है, तेरा सुंदर से सुंदर दरबार बनाया है।
जगराते में भजन भाव की पावन गंगा बहती है।